कैसे हो जान? मजा आ रहा है ना? मैं उड़ रहा हूँ। चलो अब बस करो, बहुत छू लिया तुमने, अब मेरी बारी है। ठीक है, अब उड़ने की बारी पायलट मैट की है। ठीक है, तुम्हें उड़ने की इजाजत है। मैं बादलों में उड़ रहा हूँ। मैट, तुम ठीक तो हो? अभी तो मैट ने और उड़ना था। चलो इसे ठीक करते हैं। मुश्किल है, टूटी हुई चीज को जोड़ना मुश्किल है, मगर बाकी चीजें टूटने से जुड़ जाती हैं। ये झूला है, झूले मुश्किल से ही जुड़ते हैं। लेकिन हमने तो अभी और खेलना था। कौन सा खेल? उड़ने वाला खेल। अगर तुम लोग कार का एक टायर और रस्सी ढूंढ लो तो पता है मैं बहुत अच्छा झूला बनाऊंगा। हाँ, क्या मतलब, कैसे बनाओगे? मैंने एक मूवी में देखा था, वैसे ही बनाऊंगा। चलो मैं कार के टायर का पता करता हूँ। खादिम अंकल, हमें कार का टायर चाहिए। मेरे पास कुछ ज्यादा टायर्स नहीं है जान। सभी पुराने टायर तो मैंने किसी और को दे दिए। उनके पास टायर नहीं है, उन्होंने किसी को दे दिए हैं। तो अब क्या करेंगे हम? टायर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आइडिया, पार्क के सामने वाले गैराज में बहुत से टायर पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। सुपर आइडिया के लिए टायर मिल गया है, याहू। ये तो बहुत हार्ड है, और अभी तक तो रस्सी भी नहीं मिली हमें। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक कहा ना, मैंने तुम लोगों को इतना अच्छा आइडिया दिया है। सुनो जान, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, और ये टायर किस लिए है? कमाल अंकल, हमारा झूला टूट गया है, हमें नया झूला बनाना है, आप मदद करेंगे क्या? कमाल अंकल, न्यू झूले का आइडिया मेरा ही है। मलिका बहन के घर पर मुझे बहुत से काम है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे तंग मत करो। ये काम मेरे बाबा कर देंगे। हाँ, हाँ। लेकिन अमजद अंकल भी बहुत अच्छा झूला बनाएंगे। तो ये तैयार है, ठीक हो गया। तो बच्चों, अब तुम लोग झूला झूलो। आपका बहुत शुक्रिया बाबा जान। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि अमजद अंकल बहुत अच्छा झूला बनाते हैं। बहुत मजा आ रहा है। चलो अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अभी तो खेलना शुरू किया है। वैसे भी टायर से बनाने का आइडिया भी तो मेरा ही था ना। वो तो ठीक है, लेकिन ये बनाया तो मेरे बाबा ने है ना। ठीक है, अब मेरी बारी है। तुम कब से झूला ले रहे हो? मैं तो अभी बैठा हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, बस अब मेरी बारी है। नहीं, मेरी बारी है। हाँ, अब जान की बारी है। कैप्टन जान उड़ने के लिए तैयार है। मेरे झूले पे मुझे ही नहीं बिठा रहे। लेकिन पहले तुम ही तो बैठे थे। थोड़ी देर ही तो बैठा था। कैप्टन जान बादलों को छू रहा है। कैप्टन जान बाकी जहाजों से बचकर। ठीक है कैप्टन मिर्थ। मैं उड़ रहा हूँ। सब कुछ मैंने ढूंढा। ठीक है, बनाया अमजद अंकल ने था। देखो मैट, वो सारा आइडिया तो मेरा ही था ना, और झूले वो लोग ले रहे हैं। लेकिन तुम भी तो बैठे थे, हमने खुद देखा था। बैठा था मगर थोड़ी देर के लिए। एवनी, कुछ तो करना पड़ेगा। तोना के झूले पर तुम लोग नहीं झूल सकते। तोना का तो नहीं है ये। तोना ने सब कुछ बता दिया है, ये तोना का ही है, वो हमारे साथ खेलेगा।
तुम्हारा कैसे हो गया ये? ये मेरा आइडिया था, इसलिए मेरा हुआ। आइडिया तुम्हारा था, बनाया हमने। फारूक भाई, ये झूला तोना का है। तो क्या ये झूला तोना ने बनाया है? हाँ बिल्कुल। वो रस्सी तो अमजद अंकल ने बांधी थी, मगर टायर से झूला बनाने का आइडिया मेरा ही था। ठीक है, आइडिया तुम्हारा था और रस्सी अमजद अंकल ने बांधी। अच्छा तो टायर किसने ढूंढा? तोना ने। वो टायर मैट तो जान ने ढूंढा था, मगर आइडिया मेरा ही था। तो ये झूला बनाने का आइडिया तोना का था, टायर जान और मैथ ने ढूंढा है और रस्सी अमजद अंकल ने बांधी, ऐसा ही है ना? तो फिर ये झूला तोना का कैसे हुआ? ये झूला तो सबका हुआ है ना बच्चों, हर कोई ले सकता है ये झूला। तो फिर पहले कौन बैठेगा झूले पर? अच्छा सवाल है, सभी बैठेंगे। अगर सारे बैठेंगे तो झूला टूट जाएगा। सब एक साथ थोड़ी ना बैठेंगे झूले पर, बारी बारी सब झूला झूलेंगे। मैं बताऊंगा कि पहले कौन बैठेगा। हम लोग स्टार्ट छोटे बच्चे से करेंगे या बड़े से? सबसे छोटा सबसे पहले, तो चलो आओ शुरू करते हैं। लो मेरी बारी तो सबसे आखिर में आएगी। उस दिन हम सब ने मिलकर रस्सी और टायर के साथ एक झूला बनाया। हम सब ने बारी बारी उस पर झूले लिए। बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।